नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। देश कोरोना महामारी की जबरदस्त मार झेल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की कमी के बीच संकट और गहराता नजर आ रहा है। भारत में कोरोना के नए मामले 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऐसे में विदेशी मुल्कों से भारत में मदद लगातार भेजी जा रही है। इसी कड़ी में अमेरिका की तरफ से भेजे गए रेमडेसिविर की 12,05,000 शीशियां सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। सप्लाई से रेमडेसिविर की किल्लत से निपटने के लिए थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। उधर कोरोना वायरस संकट के बीच ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट कर हिंडन एयरबेस पर पहुंचाए हैं। इसके अलावा 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी खुद दी है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारतीय नौसेना के जहाजों को विदेशी से ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। गल्फ और साउथ ईस्ट एशियन देशों के करीब भारी क्षमता वाले जहाजों को ऐसे अभियान के लिए तैयार के लिए कहा गया है। नेवी सूत्रों के इस बात की जानकारी मिली है कि भारत सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 मई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल समिट होनी है। समिट से पहले ब्रिटेन ने भारत को 1,000 और वेंटिलेटर भेजने का फैसला किया है। इससे अस्पताल में भर्ती गंभीर कोरोना मरीजों की तबीयत सुधरने में आसानी होगी। इससे पहले बीते सप्ताह यूके ने 200 वेंटिलेटर, 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 3 ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट देने का भी ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। देश की शीर्ष अदालत ने महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के उपायों पर अधिकारियों से सुनवाई के बाद इस संबंध में एक आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की निरंतर वृद्धि हो रही है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे वायरस के प्रसार को रोकने और खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें। आदेश में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। दूसरी लहर की तीव्रता के मद्देनजर जनहित में वो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से परिचित है, विशेष रूप से गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर लॉकडाउन लगाए जाने की आवश्यकता है तो सरकार को गरीबों की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। भारत में रविवार सुबह के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 24 घंटे में संक्रमण के 4 लाख से मामले ज्यादा सामने आए हैं। साथ ही देश भर में 3,000 से ज्यादा या फिर ये कहें कि करीब करीब 4,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कोरोना के प्रकारों में लगातार वृद्धि हो रही है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमराता हुआ नजर आ रहा है। 13 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है कि देश की जनता का फ्री वैक्सीनेशन हो। इन 13 पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच जल्द से जल्द देश की जनता का वैक्सीनेशन किया जाए। इन दलों ने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम तुरंत लागू करे और सभी लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बल मिल सके। संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश भर में जल्द से जल्द फ्री टीकाकरण अभियान चलाया जाए। देश में फ्री टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन हो। संयुक्त बयान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व पीएम HD देवगौड़ा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, DMK नेता MK स्लाटिन, BSP चीफ मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, NCP प्रमुख शरद पवार, CPI महासचिव D राजा और CPM महासचिव सीताराम येचुरी की ओर से जारी किया गया है। फ्री वैक्सीनेशन के अलावा विपक्षी नेताओं ने देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन, कोरोना में इस्तेमाल हो रही दवाइयों की कमी को लेकर भी केंद्र सरकार को ध्यान दिलाया। इन नेताओं ने पीएम मोदी से मांग की है कि मरीजों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।